गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का विषय है दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मिट्टी से बनाकर इसको कलर किया गया है। दिया बनाने के लिए जो हम लोग को मिट्टी इस्तेमाल करना है, इसे हम लोग केवाल मिट्टी बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे हम काली मिट्टी भी बोलते हैं या फिर चिकनी मिट्टी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग मिट्टी को तैयार करना है। तैयार करने के लिए क्या करना है, इस तरह से हमें गूंथना है अच्छी तरह से। अगर ज़्यादा हार्ड है तो हम थोड़ा पानी भी ले सकते हैं इसके साथ, और इसमें जो भी कंकड़ पत्थर है उसे हमें एक एक करके छाट देना है। इस तरह से अब इस पे रख दिए। एक प्लेट बना देंगे। अब इक्वल करने के लिए हम दोनों साइड से चिकना कर लेंगे। इसके ऊपर ये मैंने एक पत्ता तोड़ कर लाया है। इसमें टेक्सचर है, इस टेक्सचर को हम लोग इसके ऊपर लेने के लिए कोई भी पत्ते इसको पेस्ट कर देंगे। और नाइफ से इसे साइड से हम लोग कटिंग कर लेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इस पत्ते का टेक्सचर इसके ऊपर आ गया है। अब इस पत्ते को अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे और धीरे धीरे इस पत्ते को उठा लेंगे। देख सकते हैं कि इस तरह से इसका टेक्सचर आ गया है। अब इसे हम एक बड़े से स्पून में, चम्मच में, इसके अंदर धीरे धीरे प्रेस करेंगे। जो प्रेस करेंगे तो इसको लिप्स के साथ में ही रहने देंगे। इसका आपका शेप खराब नहीं होगा। अभी से हम लोग बाहर क्यों निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा साइड से उभार लेंगे। अब इस पत्ते को धीरे से निकालेंगे। अब देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग का कुछ से रेडी हो गया है। अब इसे धीरे धीरे इसके कॉर्नर को मर्ज कर देंगे।
ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, लेकिन इधर देखेंगे कि बैक साइड में मेरा फट गया है, तो इसे धीरे धीरे पानी के सहारे से हल्का हल्का इसे शेप में ले लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम लोग का ये चिकना हो गया है। पानी के सारे हल्का हल्का करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इससे आपका वर्क ख़राब हो सकता है ज़्यादा लगाने से। तो हल्का हल्का लगाना है और इसे हमें स्मूथ करते चलना है। तो जब तक शेप कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक इस लिप्स को हम लोग को यूज करते रहना है। ऑलमोस्ट जो है अब हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा आपके पास यदि टूल्स है, ये बेम्बू स्टिक से बनाया गया है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बना सकते हैं इस टूल्स को। यदि नहीं है तो आप इसके जगह नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साइड पे देखेंगे, इसके साइड में हम लोग थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। तो आपके पास अगर टूल्स है तो टूल्स ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं हो तो नाइफ इस्तेमाल कीजिए। ऑलमोस्ट हम लोग का ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इस डिज़ाइन को इसमें हम लोग को जो कलर करना है, कलर के लिए मैंने ये दो कलर इस्तेमाल किया है इसके अंदर, ग्रीन और वाइट। ग्रीन जो है आपका बेस के लिए है, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को कलर करने से पहले उसको प्राइमरी इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी कलर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग कलर इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से हमें बेस के लिए प्राइमरी कलर को इस्तेमाल करना है, यानी कि व्हाइट कलर ये है। व्हाइट कलर हम लोग का बेस का काम करेगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग ड्राई होने देंगे, 5 से 6 आवर इसे ड्राई होने देंगे, उसके बाद व्हाइट इस्तेमाल करेंगे। फुल में लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन फुल हम लोग को फ्रंट और बैक साइड वो साइड हम लोग को यूज करना है। ग्रीन ग्रीन करने के बाद जहाँ पे लाइनिंग है उस लाइनिंग पे इस ब्रश से हम लोग इस्तेमाल कर दिए। अगर ब्रश नहीं है तो आप कॉटन से भी कर सकते हैं। डिजाइन करने के लिए हम लोग को पतला से यूज कर सकते हैं। अगर ये ब्रश भी नहीं है तो एयर बर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो व्हाइट कलर से आप लाइनिंग कर सकते हैं, येलो कलर से भी कर सकते हैं, कोई भी लाइट कलर से अगर करेंगे तो वो सुंदर निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही इजी स्टेप में बताने के मैंने कोशिश किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।